तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा आप किस तरह से अपने मोबाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ऐसी सेटिंग कर सकते हैं जो आपका BGMI है, कोई भी गेम हो यार, एकदम सुपर रॉकेट की तरह भागे, जिसमें जो है FPS अच्छे आए, जैसे कि 90 FPS कहते हैं ना, बिल्कुल स्मूथ उस तरह से आए। ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 3 सेटिंग। ठीक है, फर्स्ट सेकंड आपने सेटिंग तो देख ली होंगी, लेकिन जो थर्ड सेटिंग है वो बहुत ही अच्छी सेटिंग है। आपने मेरे सभी दोस्तों को बताया यार, उनका मोबाइल जो है बिल्कुल बूम रॉकेट हो चुका है। चल झूठा, तो यार वीडियो लास्ट तक का देखना, एक सेटिंग भी स्किप मत करना, नहीं कि ये टेक्निक जो है काम नहीं करेगी। तो यार फर्स्ट सेटिंग की तरफ चलते हैं फटाक से। आप आ जाएंगे यहाँ पर सेटिंग पे, तो यहाँ पर हम आ गए सेटिंग वाले पैनल पे। तो सबसे पहले जो आपको क्या करना होगा, नीचे आएंगे डिस्प्ले पे, यहाँ पे आपको डिस्प्ले दिखने को मिल रहा होगा। डिस्प्ले पे जाएंगे, आपको इसको जो रिफ्रेश रेट है आपको 120Hz का लेना होगा। ठीक है, मेरा 60Hz और 120Hz का इसमें ऑप्शन आ रहा, हो सकता है आपका 60 और 90 का आता हो सकता है इसमें ओनली 60 ही रहेगा, तो कोई दिक्कत हमारी बात नहीं, जो मैक्स सेटिंग हो वो कर लेना। फिर बैक आ जाना है हमें, वो 120 में ऑलरेडी लगा हुआ है। उसके बाद हम सेटिंग सेकेंड वाली सेटिंग पे आ जाते हैं। उससे पहले आपको अबाउट ऑप्शन पे आना, अबाउट फ़ोन वाले ऑप्शन पे। इसके बाद MIUI में ये दिख रहा होगा आपको, इसमें कुछ बार जो है आपको इस तरह से टैप करना होगा। तो इसमें लिखा है नो नीड यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर ऑप्शन, हम डेवलपर ऑप्शन में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ठीक है, तो हम बैक आ जाएंगे। अब हमें डेवलपर ऑप्शन वाली ऑप्शन पे जाना है, तो ये मिलेगा हमें एडिशनल सेटिंग पे। एडिशनल सेटिंग पे आएंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन लिखा होगा। तो जितने भी बढ़िया सेटिंग है सब यहीं से होने वाली है भाई, एक सेटिंग भी मत छोड़ना, बिल्कुल गेम आपका बूस्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी लैग नहीं होगा। तो सबसे पहले हम नीचे लोड करते जाएंगे। ठीक है, जो सेटिंग आपको इनेबल करने के लिए कहूँगा वो सेटिंग को आप इनेबल कर लेना है। तो हम नीचे आ जाते हैं, फिलहाल कोई सी भी सेटिंग आपको अभी नहीं छोड़नी, तो आपको ये मिलेगा इनेबल GPU डिबॉक्स। ठीक है, इसको इनेबल कर लेना है, ये पहले डिजेबल्ड आपका रहेगा। ठीक है, एक सेटिंग ये हो गई। उसके बाद ये सेटिंग नीचे आना है ग्राफिक्स ड्राइवर प्रेफरेंस में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गेम बहुत सारे आ चुके हैं, तो फिलहाल हम जाते हैं पबजी मोबाइल या BGMI, आप कुछ भी कोई सा भी गेम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर आ गए, इसको ऑन करेंगे। ठीक है, शुरू में ये डिफ़ॉल्ट में रहेगा, आपको सिस्टम ग्राफिक्स ड्राइवर में कर देना है। ठीक है, तो ये कर लेना आप, ये हो जाएगा। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, पहले मैं इसमें सेटिंग बना के रख लिया हूँ। ठीक है, तो जैसे इसमें आपको सेटिंग दिख रही हो वैसे आप कर लेना, फिर भी मैं आपको बताते जाऊँगा। तो ये है, इसका भी ऑन कर लेते, अगर ये ऑन नहीं होगा तो हम नीचे अभी जा रहे हैं। नीचे जाने के बाद एक सेटिंग और है, अलो विंडो लेवल ब्लर, ये हो गया, इसको ऑन कर लेना है। और नीचे आ जाते हैं हम, तो इनेबल फ्री फ्रॉम विंडो, इसको भी ऑन कर लेना है, ये ऑफ रहता है। ठीक है, तो अभी हम और नीचे आ जाते हैं। तो लगभग ये इतनी कुछ सेटिंग है आपने देख ली होगी, जो सेटिंग अगर मैं भूल गया हूँ, ठीक है, तो आप इस विंडो में देख के आप जो है इसको ठीक कर पाएंगे। तो इतनी सेटिंग तो मैंने आपको बता दी, फिर आप बैक आ जाते हैं। अब जो मैं आपको लास्ट सेटिंग बताऊंगा बहुत ही खतरनाक सेटिंग होने वाली है। ठीक है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब हम आ जाएंगे सिंपली गेम टर्बो वाले ऑप्शन पे। तो यार गेम टर्बो बहुत सारे मोबाइल में जो है अभी आपको ये ऑप्शन दे देता है। तो आपको गेम ऐड कैसे करना है, देखिए प्लस पे जाएंगे, अब कोई सा भी आपको गेम यहाँ से जो है आप ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल दो गेम मैंने ऐड किए हैं, पबजी मोबाइल और BGMI। ठीक है, तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ। अब इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, ये गेम तो ऐड हो चुका है। अब आज जाएंगे आप सेटिंग पे, सेटिंग में आने के बाद गेम टर्बो उसको ऑन कर लेना है, ऑफ होगा इसको ऑन कर लेना है। तो ये सेटिंग, ये कंटेंट रिकमेंडेड, ये ऑन कर लेना है, ये भी ऑन कर लेना है। उसके बाद हम परफॉर्मेंस में जाएंगे, परफॉर्मेंस में जाने के बाद इस पर आ जाएंगे, वाईफाई को ऑप्टिमाइज़ करना है। जैसे अगर आप वाईफाई से खेलते होंगे तो ये ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा, गेम और स्पीड चलने लगेगा, मतलब जितनी आपकी वाईफाई की पावर है सब आपकी गेम में आ जाएगी। हम बैक आ जाते हैं, और ये वाला भी आप ऑन कर लेना, और मेमोरी एक्सटेंशन है तो सीधा आप सीधा जो है पबजी को ही देना, और गेम को भी मत देना, मतलब और ऐप्स को मत देना, नहीं तो आपकी जो है रैम दूसरी ऐप भी लेने लगेगी। तो हम गेम DND में जाते हैं, इसके बाद ये ऑन कर लेना, बाकी आपको इसी छोड़ देना है, आपका गेम जो है बिल्कुल बूस्ट हो जाएगा अगर आप इसको प्ले करके देखेंगे तो यार। ओके, तो दोस्तों बस हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। तो दोस्तों हम मिलेंगे ऐसे दूसरे तड़कते भड़कते वीडियो में।